दान है छोटे भाई जो रंजीत का अनु जो त्याग है, हमने सुबह उसको फोन करके कहा, किसी व्यक्ति को मैं जिम्मेवारी दिया था बगहा जिला के पदाधिकारी, लेकिन रिपोर्टिंग जब मुझे खबर नहीं मिला तो मैं डायरेक्टर रंजीत से बात किया और कहा कि डी आनंद से संपर्क करिए और कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचवाइए। उन्होंने और यहाँ बहुत से लड़के हैं जो छोटे भाई के सम्मान है, हमेशा किसी भी कार्यक्रम में अगले पंक्ति में रह के खड़ा होकर कार्यक्रम को अंजाम दिलवाते हैं। उन सब लोगों को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनको धन्यवाद देता हूं और साथ साथ शुभकामना करता हूं कि आपके जीवन में अच्छा हो, माँ गंडकी आपके जीवन में अच्छा तरक्की दे, उत्थान कर दे कि आप अच्छा काम करें, आज अच्छा सामाजिक जीवन जिए। देखिए हमारे पूर्व के वक्ता बहुत से विषय पर प्रकाश डाल चुके हैं, मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूं और एक बात मैं जरूर कहता हूं कि कोई प्रधानमंत्री का कुर्सी इस देश में पहला बार नहीं आया है, आजादी के 75 साल हमने पूरा किया है। अमृत महोत्सव के रूप में हम एक साल तक कार्यक्रम करते रहेंगे, एक साल के अंदर फिर इस नारायणी गंडक के तट पर हम लोग कितने बार आएंगे इसका भी अंदाजा नहीं है, लेकिन केवल कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति बदला है। कल तक आपकी प्राचीन सभ्यता क्या है, आप किसके प्रति समर्पित हैं, आपकी आस्था कहां व्यक्त होती है, कोई सरकार ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान कोई दिया, निडर साहसी कर्मठ योगी जितना कहिए शब्द जोड़िए कम पड़ता है, भाई नरेंद्र मोदी ने कहा किया, ऐतिहासिक काम है जो कोई खुद कोई नहीं कर पाता है वो भाई नरेंद्र मोदी कर पाते हैं। बहुत से मंदिर में जाना, बड़े पूर्व के नेता कहीं जाते भी थे तो ऐसे ढंग से जाते थे कि कोई देख नहीं ले, उनकी तुष्टिकरण की राजनीति का भेंट नहीं चढ़ जाए, ऐसी सोच के साथ देश चलाते थे। लेकिन आप भारत में रहते हैं, सर्व धर्म की यहाँ प्राथमिकता है, अगर हम प्रधानमंत्री हों या राज्यसभा के मेंबर हों या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, अगर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, अगर मंदिर में जाने से मेरी वोट की राजनीति गबड़ा जाती है तो वैसे वोट की राजनीति मैं नहीं करता, मेरी पार्टी नहीं करती। मैं पहले जिस आस्था के साथ इस धरती पर आया हूं, मेरे पूर्वज जिसको माना है मैं भी उसको मानता हूं। नमामि गंगे का मंत्रालय बनाना साधारण बात नहीं है, गंगा आरती करना साधारण बात नहीं है। हमको न कोई हेजा है न हमने हमको कोई बुलाया है, हमको तो गंगा मैया बुलाई है, इस नारा के साथ बनारस में चुनावी उद्घोष हुआ था। पानी के अंदर कितने जीव जंतु रहते हैं इसका आप कल्पना कर सकते हैं, आपका नदी गाद से भर चुका था, आपका नदी गंदगी से भर चुका था, उस जीव जंतु के ऊपर क्या असर पड़ता था आप कभी अंदाज किए हैं, नहीं किए थे। अगर पूर्व की सरकार की होती तो आज नमामि गंगे लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वच्छ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।